ऐसे नॉर्मल स्कूल के लिए खेलता था, बट फिर बचपन से मुझे एक वो था, मेरा एक ड्रीम था कि मैं प्रोफेशनली फुटबॉल खेलूं, और घर पे भी मैं अपने पापा को देखता था खेलते हुए। ऐसे मेरे पापा एक फुट प्लेयर है बहुत अच्छे, तो उनको उनसे भी बहुत कुछ सीखा है मैंने। स्टार्टिंग से ही इंस्पिरेशन मेरे डैडी रहे थे, क्योंकि मैं उनको देखता था शुरू से बचपन से ही। और जब मैं TFA जाता था प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स थे उनको उनको देख के भी मैं खुद से मोटिवेट होता था कि मुझे भी एक दिन मुझे एक बनना है, एक तो अच्छा प्लेयर और एक अच्छा प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनना है। तो वो सबको देख के ही मैं फिर मैंने एक सोचा कि मेरे को फुटबॉलर ही बनना है बस। 2008 में जब मुझे ज्वाइन करना था चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी, तब तब शायद मेरी मम्मी अलाउ नहीं कर रहे थे मुझे जाने के लिए घर से। मतलब उनको ऐसा लगता था कि फुटबॉल में कुछ नहीं है, बेटर ये कि तुम घर पे रह के पढ़ाई करो, उस पर ध्यान दो। बट फिर मैंने उनको कन्विंस किया 2010 में, तब जब मैं फिर जब जब मैंने उधर ज्वाइन किया, तो फिर मैंने इनको बनाया कि मेरे को मेरे को फुटबॉल में करना है, मेरे को फुटबॉलर बनना है बड़े होकर एक प्रोफेशनल फुटबॉलर। तो फिर बहुत जाके फिर मैंने 2010 में मैंने ज्वाइन किया। 2013 में जब हम लोग का लास्ट ईयर था चंडीगढ़ में, तो हम लोगों को और मेरे साथ और भी 5-6 लड़कों को हमारे एकेडमी के, और हम लोगों को ट्रायल लेटर भेजा था कि TFA में आके ट्रायल देने के लिए। और फिर वो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे लड़के आए थे ट्रायल के लिए TFA के लिए। और यहाँ मेरे साथ और जो मेरे फ्रेंड्स थे, शायद उनका उस तब सिलेक्शन नहीं हो पाया, और फिर पूरे अकेडमी से फिर मेरा ही हुआ था यहाँ। और मैं लोकल, तब शायद लोकल लड़के भी इतने TFA में रहते नहीं थे, अब तो स्टार्ट हो गया लोकल बॉयज के लेना। और तब एक बहुत बड़ा कंपटीशन था, क्योंकि इतने लड़कों के साथ, क्योंकि ट्रायल मैंने पहले बार इतने लड़के देखे थे कि ट्रायल्स के लिए इतने भीड़ थे, और तब मुझे लगा था पता नहीं होगा भी कि नहीं। और फिर ट्रायल दिया, और रेगुलरली 9 डेज का वो ट्रायल था, और फिर उसके बाद फिर मैं सिलेक्शन हुआ हमारा, और फिर मैं खुश था कि मैं अपने घर के पास वापस आ गया खेलने के लिए। 2014 से जब ISL स्टार्ट हुआ था, तब से मैं देखते आ रहा हूँ जितने भी फॉरनर्स प्लेयर हैं, इंडियन जितने भी, तो उनसे उनको हमेशा एडमायर करता था और उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखता था। और फिर जब तुम क्षेत्रफसी का टीम आया, तो हम लोगों को चांस मिला खेलने के लिए, और एक ड्रीम भी था। तो ISL एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्लेयर्स अपना स्किल दिखा सकते हैं, और इससे और यहाँ पे ये भी, अगर ये खेल अगर आप यहाँ पे अच्छा करते हो, तो आपको नेशनल इंडियन टीम के लिए कॉल भी आएगा। तो वो भी एक, वो मेरा एक गोल है कि मैं अपने, एक ड्रीम है कि मैं अपने कंट्री के लिए खेलूँ और अपने घर वालों को प्राउड फील कराऊँ।